गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। तो देखो, मैंने आपको जो है एमसीबी के बारे में और फ्यूज वायर के बारे में जो है मैंने बता दिया। तो आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बता देता हूँ। देखो, आपने भी टिक मार्क किए होंगे लेफ्ट साइड 4 के अंदर। तो देखो, लेफ्ट साइड 4 के अंदर पहला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर रेजिस्टेंस होगा। और बी का आंसर ये कह रहा है, एट टाइम इन ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट फ्लो इन द करंट, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट कैसा फ्लो करता है, इंक्रीज सडनली, उसमें इंक्रीज सडनली हो जाएगा। और सी कह रहा है, द वायर दैट मेल्ट एंड ब्रेक्स द सर्किट व्हेन द लार्ज करंट फ्लो थ्रू इज नॉट, जब सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है करंट अगर फ्लो होता है तो वो वायर पिघल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, उस वायर को हम क्या कहते हैं, उस वायर को हम फ्यूज वायर कहते हैं। वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिप्लेस द इनकैंडेंट बल्ब बाय CFL बल्ब। LED बल्ब भी हम ले सकते हैं और CFL बल्ब की ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है MCB स्टैंड। MCB की फुल फॉर्म क्या है, MCB है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1 है, सेकेंड का ए। फर्स्ट कह रहा है, विच सब्सटेंस इज यूज टू मेक ए हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं। तो हम नाइक्रोम वायर को यूज करते हैं ज्यादातर, तो आप इसका आंसर लिख देंगे नाइक्रोम वायर। नेक्स्ट आता है, मैंशन द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, हीटिंग इफेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट आता है, नेम सम एप्लीकेशन appliances that work on the basis of heating effect of electric current, heating effect of electric current के base पर जो work करती है कुछ appliances के नाम बताइए। तो उसके आप नाम देखिए यहाँ से ले सकते हैं, ये जो bulb है वो भी heating effect पर काम कर रहा है, page number 65 पर आप ले सकते हैं bulb और रूम हीटर को आप ले सकते हैं, दो आप एग्जांपल। ऐसे तो आप फ्यूज वायर का भी नाम ले सकते हैं, सारे गीजर है, हीटर है, ये आपके जो है हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन डी कह रहा है, एक्सप्लेन द फ्लोविंग टर्म CFL LEDs एंड MCBs मेंशन इन देयर यूजेस। CFL की फुल फॉर्म, LED की फुल फॉर्म और MCB के बारे में बताइए और इनकी यूज बताइए। तो इसके लिए आपको आना है सबसे पहले पेज नंबर 65 पर, CFL और LED के लिए देखिए। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 65 देखो, CFL के लिए जो है ये यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है उसकी थर्ड लाइन है। CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब। CFL की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब है। उसके बाद इसकी नीचे से तीसरी चौथी लाइन में लगाइए, देयरफॉर दीज आर पावरफुल एफिशिएंट लाइट प्रोड्यूस इज आल्सो ब्राइटर देन द प्रोड्यूस्ड बाय एन इनकैंडेसेंट लाइट। ठीक है, ये CFL के लिए हो गया। दूसरा आता है LED के लिए, LED की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसके नीचे वाले पैराग्राफ में, लाइट एमिटिंग डिवाइड फॉर लाइटिंग। ठीक है, और लाइटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट प्रोड्यूस इज वेरी हाई फॉर वेरी लेस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये CFL के बारे में लिखिए। ये भी आपका सेकेंड के डी का ही आंसर है, सेकेंड के ये जो भी मैंने अंडरलाइन कर रहे हैं ये सेकंड के डी के आंसर हैं। ठीक है, एक और रह गया है इसका, क्या था, CFL था और MCB के लिए देखो आपको पेज नंबर 67 पर देखिए MCB लिखा, MCB की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले तो आप ये लिखोगे, इसको लिखने के बाद सेकंड के सेकेंड के डी के लिए तो ये लिखोगे। इसको लिखने के बाद में देखो इसकी जो 1, 2, 3, 4 लाइन से, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड, MCBs एक्ट लाइक ए फ्यूज एंड ब्रेक द सर्किट ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज ए शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग। बस ओवरहीटिंग तक, तो आपको आंसर जो है सेकेंड का डी का ही आंसर है, ओवरहीटिंग तक आपको ये करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, राइट द एडवांटेज ऑफ द फ्लोइंग फ्यूज वायर की क्या एडवांटेज है और हीटिंग एलिमेंट की क्या एडवांटेज है। तो फ्यूज वायर के लिए देखो आप करेंगे पेज नंबर 67 पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लिखा हुआ है, उसके जो लास्ट पैराग्राफ है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज के ऊपर से तीसरी लाइन, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक फायर्स एंड द डैमेज टू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वैन एक्सेसिव करंट फ्लो। यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जैसे फ्रीज है रेफ्रिजरेटर उसको जलने से बचाता है। तो ये आपका सेकेंड ई का फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हीटिंग एलिमेंट, इसका सेकेंड। तो हीटिंग एलिमेंट इसके लिए आपको पेज नंबर 64 पर जो ऊपर ही ऊपर है द इलेक्ट्रिक